देखिपार थे यहाँ पूरा रेस्टोरेंट सर्व कला भाई के डेलीशियस एंड के यम्मी देखा तो चलो तो देखा मुमि बनाऊँगी क्रिस्पी एंड क्रंची रेस्टोरेंट स्टाइल रा मशरूम चिल्ली। तो मुझे मशरूम चिल्ली बनवाप गोटे पैकेट मशरूम और 200 ग्राम मशरूम को नहीं तो मशरूम को भल भाव सफा कर नबा। देखो मुझे भल भाव सफा कर नहीं मशरूम को तापर मशरूम को सफा करला परे ताको गोटे कपड़ा रखिके एमती कवर करने भी 20 मिनट जाए जहाद्वारा मशरूम टिके जो पानी थी से अब्जर्व करनब। तापर चिल्ली बनवाई मुठी 3टा मीडियम साइज प्याज को एमती स्क्वायर शेप रो काटिके रखी देखूँ एमती स्क्वायर शेप तापर गोटे कैप्सिकम को एमती स्क्वायर शेप रो काटिके रखी आउ किछि रसुण को टिक टिक करी काटने छी एटा मटर 9टा रसुण खोल यूज कर छी आउ गोटे छोटो प्याज को एमती चुना चुना करी काटि नै छी। तापर देखो तो एटी 20 मिनट होई जाइ छी कपड़ा रो मशरूम को काढ़ी नबा देखो तो मशरूम भल भाव पूरा ड्राई हो जाइ तापर मुझे मशरूम को एमती मीडियम साइज को काटि नहीं आपको जमती पसंद सेमती काटिपारे फ्राए करने तापर ये मो मशरूम ऊपर 3 टेबल स्पून मैदा पकेबी तापर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर किंबा अरारूट तापर मुठी 1 टीस्पून लंका पाउडर पकेबी एटा टिके अधिक तीखा सो मु 1 टीस्पून यूज करछी। तापर किछि कसूरी मेथी को मम्मी हाथ रे क्रस करके एमती पके नेबी तापर मुठी गोटे पिंच फूड कलर यूज करा आप चॉइस अदरवाइज स्किप करा तापर मुठी लुण पकईदेवि लुण स्वाद अनुसार पकईबी तापर मुठी गोटे हाफ स्पून अदा रसुण पेस्ट पकईने तापर एठी मु गोटे 1/2 टीस्पून चाइना सॉल्ट यूज करछी एटा पूरा ऑप्शनल आपण माने चाहेबे पके परिबे अदरवाइज स्किप करि परिबे। तापर आकु भल भाबरे मिसै नबा एबे जम्मा भी पानी ऐड करिबे नाही को भल भाबरे मिसै नेबे आगो तो एही प्रोसेस करबा द्वारा मशरूम पकोड़ा अधिक क्रिस्पी एंड क्रंची होइथाय। एबे मु जस्ट पानी को एमती स्प्रिंकल करी पकेबी टिके टिके जस्ट लाइट डायरेक्ट ऐड करिवे नहीं जस्ट इन हाथ में स्प्रिंकल करके पानी पकेबे देखो तो टिके पकेली सेमती मसलाटा जमी भल भाव मिसीज जस्ट से ही पानीटा स्प्रिंकल करके पकेबे तो आपण मन चाहिए बेटर फर्स्ट बनईकी मशरूम को बेटर गोल फ्राए करें बट यही प्रोसेसटार अधिक क्रिस्पी एंड क्रंची होता है। आपण मन चाहिए फर्स्ट बेटर बनईकी मशरूम को बेटर गोल फ्राए करें बट यही प्रोसेसटे अधिक क्रिस्पी एंड क्रंची होता है पूरा परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल रो। तो देखो तो भल भाव गोल नहीं जस्ट गोटे 2 मिनट छाड़ने मैरिनेसनटा सेट करने तो भितर आम तेल पैन को गरम करना मशरूम को छाणी तो देखो मशरूम तेल गरम हो गला मशरूम को गोटे एमती गोटे गोटे ही पकेबे डायरेक्ट ऐड करेंगे ना बहुत गुड़ाए तो गोटे गोटे ही खोला खोला टिके छाड़ छाड़ी पकेबे
आ तेल रे पकेला बेले टी केयरफुली पकेबे। एटा मीडियम हाई फ्लेम रे अछि मशरूम पकोड़ा बनेबा पई, फॉर मीडियम हाई फ्लेम रे ही आको कुक करबे, जम्मा भी लो फ्लेम करबे नहीं। तो आपको मु फर्स्ट 4-5 मिनट फ्राई करी, जमा भी आपको उल्टे ना 4-5 मिनट फ्राई करी मीडियम हाई फ्लेम रे। जो स्लाइट एमती टिके एपट सेपट करने बे उल्टे ना आपको टोटाली। देखो तो 4-5 मिनट हो गला, तापर आम आपको उल्टे बा टिके स्लाइट। देखो तो धीरे धीरे आ गोटे साइड को फ्लिप कर नबी, तो आर साइडटा भी जो फ्लिप करी ताकू भी एमती 3-4 मिनट हाई फ्लेम रे कुक करवा फ्राई करवा। देखो अब 3-4 मिनट हो जाए एपट सेपट कर नबा, तब देखिए तो छाड़ छाड़ी पूरा अलग अलग हो मशरूम ताकू काढ़ी ने। देखो तो कलर भी चेंज हो जाए, तो मुझे आपको देखेबी एटा केमती क्रिस्पी एंड क्रंची है साउंड रू जापर। देखो तो परफेक्ट फ्राई हो जाए, तो साउंड रू जापर एटा परफेक्ट एंड क्रंची एंड क्रिस्पी है। एमती सबगुड़ा मशरूम को छाड़ने पे देखो तो मशरूम आम रेडी। देखो तो कते क्रिस्पी देखा साउंड रू शुणा जाऊँ एंड देखा भी जाऊँ। तो चिल्ली बनवाई मुझे पैन रे ही 2 टेबल स्पून तेल पकई, तेल को हाई फ्लेम रे रखे। चिल्लीटा सब हाई फ्लेम रे ही करेंगे, जमा भी लो फ्लेम कि मीडियम फ्लेम करेंगे ना। तापर तेल पूरा गरम जो पूरा भल भाव गरम होपर आम रसुण पकई नवा, मुझे छोट छोट कर रखी से रसुण को पकई नेबी। तापर ये मुझे 3-4 ग्रीन चिल्ली पकई नेबी, ताको भल भाव मिसई नवा। तापर छोट छोट कर रखी थी प्याज को ताकू पकई नेबी। आपको जस्ट गोटे मिनट ही कुक करी, तापर जो मु मीडियम साइज प्याज को एमती काटिक रखी स्क्वायर शेप ताकू पकई नेबी। तापर आपको भल भाव मिसई नेबी, आपको मीडियम हाई फ्लेम रे ही कुक करेंगे आउ गोटे मिनट कुक करेंगे। गोटे मिनट कुक कला कैप्सिकम को भी सेम पकई नेबी, आपको तो भल भाव मिसई नवा। तो कैप्सिकम आ प्याज को मीडियम फ्लेम रे ही कुक करेंगे जस्ट गोटे 2 मिनट, ताको जमा भी सॉफ्ट करेंगे ना। एटा क्रंची रही अधिक भल लगे चिल्ली पाई, जस्ट गोटे 2 मिनट ही मीडियम फ्लेम रे फ्राई करवा। तापर एठी मु किछि लुण पकाई देबी, लुण आपण बहुत कम ही यूज करिवे कौन पाई मशरूम रे भी हमर मशरूम पकोड़ा रे भी हमर लुण पड़छि, प्लस जो मु सॉस गुटा यूज करिवे सेथरे भी टिके लुण थाए, तो एठी लुण बहुत कम ही पकेबे। तो भल भाव मिसई नबा गोटे 2 मिनट आपको एमती फ्राई करवा। तापर एबे मु सॉस सब यूज करी, ए टाइम रे गैस रो फ्लेम को लो पूरा करने पे नहले सॉस गुड़ा को पोड़ी जीवो। तो एटि मु 2 टेबल स्पून सोया सॉस यूज कर छी। और 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, जदि आपण मन पाखरे सेजवान चटनी कि सेजवान सॉस अछि ताको भी गोटे 2 टेबल स्पून पके नेबे, मो पाखे नथला मु सब स्किप कर नै छी। गोटे टेबल स्पून टमाटो सॉस पके कि भल भाव मिसई नबा। तापर एठी मु गोटे टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को 3 टेबल स्पून पानी पके कि ताको एमती सेट करने छी। तापर सेही कॉर्नफ्लोर वाटर टा पके नबा बे चिल्ली रे भल भाव मिसई नबा बे।
कॉर्नफ्लोर पकेला पर जस्ट 30 से 40 सेकंड पके फ्राई करिवे मीडियम फ्लेम रे। तापर टिके जस्ट पानी पकेई छी, देखो एटा भलो भाबर हेई गलानी। तापर एबे मु जो मशरूम पकोड़ा बनैथली ताकू पकेने भी सब गुडा को तापर आकू भलो भाबर मिसै नबा। ए टाइम रे मीडियम फ्लेम गैस रो फ्लेम टा को मीडियम टू हाई फ्लेम रखिबे। हम भलो भाबर हे जाय छी। एबे मु जस्ट टिके राशि पके कि सर्व करने भी आउ देखु परफेक्ट हो गला। एबे चिल्ली मशरूम चिल्ली आमर तापर एबे हम गैस रो फ्लेम को ऑफ कर नबा। देखु आमर रेडी हो जाय छी मशरूम चिल्ली, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल देखा जाउ छी। एंड एटा सतर भी बहुत टेस्टी एंड यम्मी हेतला और पूरा परफेक्ट क्रंची स्टाइल रो हेतला एटा। तो आमे आकु गोटे बाउल को गोटे प्लेट को सर्व कर नबा। जदि मोर ए रेसिपीटी आपण मानको भल लागिला ताले निश्चिंत लाइक और शेयर कर नबे फैमिली फ्रेंड्स मानको, आ निश्चिंत घरे ट्राई करबे एंड कमेंट माध्यम रे फीडबैक देबे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।